गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अपनी खुद की राशि मीन से निकल करके यहाँ पर ये पूरे 1 वर्ष तक रहेंगे, 1 मई 2024 तक। गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़े शुभ ग्रह होते हैं, काफी बड़े ग्रह हैं, बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हैं। और किसी भी राशि में जो इनका आना होता है वो 12 वर्षों के बाद होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि गुरु बहुत से चीजों के कारक होते हैं, तो जब ये राशि परिवर्तन करके किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बार जो इनका परिवर्तन है वो काल पुरुष की जो पहली राशि मेष होती है वहां पर ये एंटर कर रहे हैं। पूरे 1 वर्ष तक रहेंगे, कारक होते हैं दूसरे भाव के, पांचवें भाव के, सातवें भाव के, नौवें भाव के और 11वें भाव के ये कारक होते हैं। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे और मेष में बैठेंगे तो यहाँ पर बैठ करके इनकी 3 दृष्टि आ जाएंगी, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। तो इस तरीके से जो इनका परिवर्तन होगा, एक साथ ही ये 9 भावों को प्रभावित करेंगे। 5 जो इनके कारकत्व वाले हाउसेस हो जाते हैं और इसके बाद ये जहां पर बैठेंगे और जहां जहां पर ये दृष्टि डालेंगे। तो इस बार जो इनका राशि परिवर्तन है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अपने मित्र के घर में, मंगल के घर में आ रहे हैं और काल पुरुष की पहली राशि मेष होती है, वहां पर ये प्रवेश करते ही जो धर्म त्रिकोण है, पहला, पांचवा और नवा जो अग्नि तत्व को दिखाता है, उसको ये एक्टिवेट करेंगे। पूरे 1 वर्ष तक यहाँ पर रहना होगा इनका और 3 नक्षत्रों से इनका ट्रांजिट होगा, अश्वनी, भरणी और कृतिका। इसलिए भी इनका राशि परिवर्तन बहुत महत्व रखेगा। और इसी के अलावा एक चीज और भी होगी कि मेष में अभी राहु चल रहे हैं और यहाँ पर जब 22 अप्रैल को गुरु सवेरे 6 बजे के आसपास प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो वहां पर पहले से सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध हैं और राहु हैं, फिर यहाँ पर गुरु आ रहे हैं। तो इसलिए भी इनका प्रवेश करना बहुत अलग ढंग से प्रभाव देगा। और ये अस्त की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 3-4 मई के आसपास गुरु उदित हो जाएंगे, फिर ये जाकर के अपने अच्छे से रिजल्ट्स देना शुरू कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप सभी लोगों से इसी विषय के ऊपर बात करूंगी, गुरु की राशि परिवर्तन के ऊपर। और सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना करके डाले हुए हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल सामने हैं, 22 अप्रैल को प्रवेश करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो आप लोगों को दूं, जिसमें सभी राशियों का संक्षेप में वर्णन हो। और आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो जा करके जो वीडियो की लिस्ट होती है वहां पर देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको सारे मिल जाएंगे हर एक लग्न और राशि वालों के लिए। तो आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो राशि परिवर्तन होगा गुरु का, चूंकि ये 12 वर्षों के बाद मेष में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये 3 नक्षत्रों से जाएंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका से। केतु के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्रों से पूरे 1 वर्ष तक इनका गोचर होगा। तो आप लोगों के लिए ये सारे रिजल्ट्स तब और अधिक दिखाई पड़ेंगे जब आपकी महादशा में कहीं पर गुरु ग्रह आ रहे होंगे, या मंगल ग्रह होंगे, या केतु होगा, शुक्र होगा या सूर्य होगा। तब आप देखेंगे कि जो सारे रिजल्ट्स हैं आपको काफी प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। एक तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप ये जरूर चेक करिएगा कि जो भी आप आपका निडल चार्ट है उसमें आपके गुरु की क्या स्थिति है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें कितने स्ट्रेंथ है। और दूसरा ये है कि जब इन ग्रहों की महादशाएं अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं, तब इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक मिलता है। और अगर ये ग्रह नहीं इन्वॉल्व होते हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तब जो ट्रांजिट का रिजल्ट होता है वो 25-30% के आसपास मिलता है। और जो मेजर रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा आपके नेटल चार्ट से निकल करके आते हैं, तो इसको आप लोग कभी भी मत भूलिएगा।
जब भी आप वीडियोस को देखते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्रभाव अच्छे से ले सके गुरु के, और आप सभी लोगों के लिए मेष से लेकर के जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके जिस भी हाउस में गुरु प्रवेश करेंगे उस भाव से जो संबंधित घटनाएं होती हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। और इसी के साथ साथ जो गुरु की दो राशियां होती हैं धनु और मीन, वहां से भी रिजल्ट आएंगे। और ये मेष में बैठे रहेंगे तो जहां पर बैठेंगे वहां का तो प्रभाव उतना डोमिनेंटली नहीं दिखता है, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि आ जाती है वहां पर ये बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती है उसमें काफी शुभता होती है। और गुरु जी जो कि बहुत बड़े प्लेनेट है, बड़े हैवी प्लेनेट है, तो जिस स्थान पर बैठते हैं उसका प्रभाव जो होता है, चूंकि शुभ ग्रह है तो देखिए बिगाड़ेंगे तो कभी भी नहीं, क्योंकि इनका जो स्वाभाविक कारकत्व है वो शुभता वाला है। और ज्ञान के कारक हैं ये, संतान के, बुद्धि के, विवेक के, और जो व्यक्ति को धन मिलता है उसको भी कहीं ना कहीं गुरु दिखाता है। स्त्रियों के लिए पति को दिखाते हैं, उनके जीवन में जितनी भी शुभता होती है उनके संतान को भी ये गुरु ही देते हैं। तो गुरु को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, क्योंकि गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, मोक्ष है। तो जब ये परिवर्तन करके आएंगे मेष में तो हर एक व्यक्ति के लिए जो मेष राशि के ट्राइन्स होते हैं, मेष, सिंह और धनु, उन राशियों को भी एक्टिवेट करेंगे नक्षत्रों के माध्यम से भी और दृष्टियों के माध्यम से भी। इस बार जो इनका प्रवेश है वो धर्म त्रिकोण में अग्नि तत्व राशि मेष में हो रहा है, मित्र के घर में। और कुछ टाइम पीरियड रहेगा जो मैं आपको अभी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि चूंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और जब गुरु प्रवेश करेंगे अस्त की स्थिति में रहेंगे, और 25 मई से, 25-26 मई से लेकर के 30-31 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर गुरु राहु के बिल्कुल पास में रहेंगे। बिल्कुल पास का मतलब होता है कि तो उसमें 6 या 7 डिग्री के आसपास राहु की स्थिति होगी और लगभग लगभग उसी के आसपास गुरु की भी स्थिति होगी। तो जो एक गुरु चंडाल का प्रभाव होता है, गुरु चंडाल युति का जो एक प्रभाव देखने को मिलता है, उस टाइम पीरियड में आप लोग अपने हाउसेस से रिलेटेड और गुरु से संबंधित कोई भी कार्य होंगे, कोई निर्णय होंगे, उनको मत करिएगा, उसका ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो पूरा 1 नवांश का टाइम पीरियड रहेगा, 3 डिग्री 20 मिनट का जो टाइम पीरियड आएगा, लगभग 10-15 मई से लेकर के 10-15 जून का टाइम पीरियड होगा, जब गुरु और राहु 1 नवांश 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर में रहेंगे। तो अगर आपको और भी ज्यादा केयर करनी है, और भी ज्यादा बचाव करना है चीजों का, तो उस समय पे भी आप अपने निर्णयों को थोड़ा संभाल करके रख सकते हैं या थोड़ा सा रुक करके ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट जो हैं राहु और गुरु दोनों बड़े ग्रह हैं और इनका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गुरु चंडाल युति का निर्माण होगा उससे आपको डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि ग्रह कोई भी हो वो अपने जो उसके स्वाभाविक नेचुरल जो गुणधर्म होते हैं उसको वो कभी भी नहीं लूज करता है। उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है, कम का मतलब है कि थोड़ी जो उसकी क्वालिटीज हैं उसकी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है एक नेगेटिव प्लेनेट के साथ में होने की वजह से, लेकिन वो प्लेनेट कभी भी अपना जो उसका स्वाभाविक गुणधर्म है वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो राहु ग्रह है, राहु और गुरु को जब आप कंपेटिवली ध्यान देंगे तो यहाँ पर गुरु की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, क्योंकि राहु मंगल के घर में है और राहु को मंगल के हिसाब से रिजल्ट्स देने होंगे अपने नक्षत्रों के आधार पर, जिन ग्रहों के साथ में बैठे हैं उनके साथ उनके अनुसार उनको रिजल्ट्स करने होंगे। जबकि गुरु की जो स्थिति है वो अपने मित्र के घर में है और बहुत मजबूत स्थिति में है, उनको राशि का सपोर्ट मिलेगा, राशि लॉर्ड मंगल का सपोर्ट मिलेगा। और 15 मई तक का जो टाइम पीरियड है उनको सूर्य भी काफी सपोर्ट करेंगे, तो एक तरीके से गुरु काफी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो सभी के लिए जो प्रभाव पड़ेंगे अब उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को संक्षेप में बताऊंगी। और जो डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने लिए जो डिटेल मैंने वीडियो डाले हुए हैं वहां से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेष वालों के लिए। देखिए जितने भी मेष वाले लोग हैं आप लोग,
आप लोगों के लिए गुरु आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये जो स्थिति होगी आपके लिए, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में जो अभी तक बहुत दिक्कतें चल रही थी राहु के लगन में बैठे होने की वजह से, जो आपको इरिटेशन थी या जो एक तरह से आपको बहुत हेडेक और तरीके की जो एंजाइटी थी, पूरा जो डिसीजन को लेकर के कंफ्यूजन था, एक तरीके से मेंटली आप काफी डिस्टर्ब से थे, जितने भी मेष राशि और लगन के लोग रहे होंगे, क्योंकि आपके चंद्रमा के ऊपर और आपके लगन के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया था, इस वजह से आप काफी दिक्कतों में चल रहे थे। अब जब गुरु यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर के जितने भी कंफ्यूजन है, जितना भी इल्यूजन है, जो आपके अंदर एक तरीके की जो इरिटेशन जैसी स्थितियां थी उनको दूर करेंगे, आपके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक देंगे, निर्णयों को आप अच्छे से ले पाएंगे, आपके पांचवें सातवें और नौवें भाव के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे, तो आपको बच्चों से सुख, एजुकेशन से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से और आपके भाग्य, उच्च शिक्षा, इन सारी चीजों को गुरु बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं प्लान कर सकते हैं बच्चों से जुड़ी हुई चीजों के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके बुद्धि को ये बढ़ाएंगे, आपके सिंह राशि के ऊपर दृष्टि डाल करके, तो आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय बिजनेस, बहुत से लोग मैरिज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत से लोग नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, व्यापार आपका विस्तार पाएगा। जो भी आप इस टाइम पीरियड में जर्नीस करेंगे वो आपको काफी फायदा करेंगे। आपके पिता की लाइफ में शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं आगे, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी मेष वाले लोग हैं, राशि के या लगन के, दोनों को ही बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल आपके धन को बढ़ाएंगे और आपके फैमिली के अंदर शुभता वाली घटनाएं होंगी, भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। जो ओवरऑल अचीवमेंट्स होती है, प्राप्तियां होती हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल गेन हो, प्रमोशन हो, पद प्रतिष्ठा हो, सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके माध्यम से आपके लिए कुछ सपोर्ट वाला टाइम पीरियड हो, और कुछ आपको बड़े लोगों का साथ मिले, उनका उनके द्वारा आपके लाभ की स्थितियां निर्मित हो, काफी अच्छी स्थिति मेष वालों के लिए बन रही है, बहुत ही एक्सीलेंट आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके भाग्यश होते हैं और आपके व्यय के मालिक होते हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम आपका शुरू हो रहा है पूरे 1 वर्ष तक। और विशेष रूप से 30 अक्टूबर के बाद जब गुरु यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, जब राहु अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे, तब गुरु बहुत स्ट्रांग स्थिति में होंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे, उसका आप लोग फायदा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए गुरु आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। गुरु का जो ट्रांजिट होता है 12वें भाव से, वो दुनियादारी के हिसाब से, सांसारिक दृष्टि से कोई बहुत विशेष योग कारक नहीं होता है। आपके 8वें भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक होकर के खर्चे के भाव में जा रहे हैं, वहां जाकर के ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु आप लोगों के लिए कुछ खर्चे करा सकते हैं, विदेश से संबंधित इवेंट्स आपके जीवन में इस टाइम पीरियड पर होंगी। जो लोग एमएनसीज वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, या बड़े बड़े जो प्रोडक्शन के फील्ड से जुड़े होते हैं, जो बहुत कंपनीज जो होती हैं उनके जो बड़े विस्तार के साथ में जो कार्य किए जाते हैं, जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती हैं, गुप्त चीजें होती हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए काफी यहाँ पर गुरु लाभ लेकर के आएंगे। आप लोगों के कुछ खर्चे हो सकते हैं, चाहे वो जर्नीज के ऊपर हो, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, निर्माण के ऊपर हो, मदर के ऊपर हो, सेहत के ऊपर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर, या इस टाइम पीरियड में आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं। ओवरऑल आप लोगों के लिए जो ये गोचर है, औसत गोचर कहा जाएगा, बहुत अच्छा गोचर तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में हो रहा है तो कहीं ना कहीं खर्चे होंगे, तो आप धार्मिक यात्राएं करिएगा, धर्म कर्म का कार्य करिएगा और कुछ डोनेशन वगैरह करते रहिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक तरीके से विपरीत राजयोग की स्थितियां भी आप लोगों के लिए यहाँ पर गुरु निर्मित कराएंगे, क्योंकि आपके 8वें भाव के मालिक हो 12वें भाव में जा रहे हैं, और दृष्टि जो इनकी पड़ेगी 4थे पे और 6ठे पे और 8म भाव के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे, तो ये अचानक से आपको लाभ भी करवा सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव लाभ का है, रिसर्च से लाभ हो सकता है आपको, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के माध्यम से कुछ जमीन के अंदर से जो गड़े हुए धन होते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन और निर्माण से आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां यहाँ पर गुरु निर्मित करवा सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके अवश्य होंगे, जर्नीज के ऊपर हो सकते हैं, मदर के ऊपर, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, फिर भी डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर कुछ पैसे जा सकते हैं, औसत गोचर है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके 11वें भाव में ही गुरु आ रहे हैं, 7वें भाव के मालिक हैं आपके, और 10वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है।
ग्यारहवें से जो गुरु का गोचर होता है बहुत ही शुभ होता है। ये टाइम पीरियड मिथुन वालों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। आपको तरह तरह से फाइनेंशियल गेन होंगे, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि ये आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, 11वीं को और 3रे को और 7वें को। तो ये जो स्थिति आपके लिए बनेगी, हर तरह से आपकी इच्छा पूर्ति करवाएगी। जो कि आपकी विशेष पेंडिंग रही होंगी वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में आप लोगों को प्राप्त होंगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, कार्य क्षेत्र, ये सारी चीजें आपकी मजबूत होंगी। गवर्नमेंट से, हेल्थ अथॉरिटी से आपको लाभ मिलने जा रहा है, उसका आप लोग फायदा लीजिए। और आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके माध्यम से आपके लिए काफी फाइनेंशियल गेन भी होंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। जो लोग आईटी सेक्टर, टू ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह का ब्रोकरेज का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कोई आप पासपोर्ट, वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर गुरु आपको ला करके देंगे। आपके संतान से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स भी आपको यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। बहुत एक्सीलेंट कोचर है। डिटेल के लिए, बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल्स में जानना है और देखना है, समझना है, तो आप इंडिविजुअल वीडियोस पे चले जाइएगा। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ओवरऑल मिथुन के लिए बहुत एक्सीलेंट कोचर है ये। हर तरह से आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, या जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके नेबर्स हैं, आसपास के लोग हैं, उन सभी की लाइफ में भी कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे। उन सबके माध्यम से आपको लाभ हो रहा है। हर तरीके से लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो आपके बच्चे वगैरह हैं, उनसे उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। किसी तरह के रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी और ओवरऑल जो आपके पूरे कर्म हैं, वो सारे कुछ इस टाइम पीरियड पे जागृत होंगे, और उससे आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। बहुत एक्सीलेंट गोचर है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों का इस टाइम पीरियड पर लव अफेयर भी होगा, बहुत से लोग मैरिज की ओर भी जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। व्यापार, बिजनेस, यात्राएं, इन सबसे लाभ हो रहा है। जिन लोगों का अपने मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह रही होगी, वो सब चीजें भी यहाँ पर अच्छे से सेटल हो सकती हैं। एक तो ये अच्छी चीज है, दूसरी ये भी है कि मिथुन वाले ऑलरेडी काफी परेशान थे पिछले 2.5 साल तक, जब भी सैटर्न आप लोगों के 8वें भाव से ट्रांजिट कर रहे थे। अब आपके लिए शनि भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और गुरु भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर तरीके से आप लोग फायदा लीजिए। बहुत ही अच्छा आपके लिए यहाँ पर लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत एक्सीलेंट कोचर है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए जो ये गोचर होगा, आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव से जो गुरु का गोचर होता है, काल पुरुष में यहाँ पर मकर राशि पड़ती है, जहां पर गुरु को नीच की स्थिति में माना जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए भाग्यश होकर के और 6वें के लॉर्ड होकर के आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, आपके अर्थ त्रिकोण को गुरु यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, ये जो गुरु का पूरा 1 वर्ष का टाइम पीरियड है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन करवाएगा। आपको प्रमोशन देगा, नई नई जॉब आपको ला करके यहाँ पर गुरु देंगे। आपको इस टाइम पीरियड पे बहुत अच्छी सक्सेस देंगे। करियर के फील्ड में नेम, फेम, यश, प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स में आपको लाभ हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है। और जो लोग बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, IAS है, PCS है, UPSC है, PCSJ है, जो बहुत इंडिया के बड़े अच्छे अच्छे जो एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, उसमें भी बहुत से लोगों को सक्सेस होने का टाइम पीरियड आएगा। क्योंकि 6वां भाव आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे गुरु, और आपके 10वें भाव में ऑलरेडी बैठेंगे, तो आपके लिए हर तरह से आपको सोसाइटी में अच्छे से स्टेब्लिश करेंगे। और आपकी फैमिली के अंदर जो आप का घर है, पूरा इंटरनल एटमोसफियर है, वहां पर कुछ ये कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सारी चीजें दे सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाले इवेंट्स होंगे, बहुत से लोगों के यहाँ कुछ संतान की प्राप्ति या किसी फैमिली मेंबर्स का बढ़ जाना, क्योंकि आपके ही सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। तो परिवार के अंदर ये बहुत अच्छे अच्छे शुभ इवेंट्स लेकर के आएंगे। जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, एनिमी जैसी स्थितियां रही होंगी, उनको काफी अच्छे से गुरु यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है, अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि अपने मित्र के घर में यहाँ पर गुरु है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, आपके लिए आपके 9th हाउस में गुरु आ रहे हैं, और यहाँ पर अपने मित्र के घर में आ रहे हैं। आपके योग कारक ग्रह होते हैं, आपके 5वें भाव के लॉर्ड होकर के आपके धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं, 3रे धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु यहाँ बैठकर सीधे आपके लगन को देखेंगे, 3रे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी और आपके 5वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, आने वाला जो पूरा 1 वर्ष है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, हायर स्टडीज और आपके पिता से काफी आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े आप भाग्यशाली हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी है, उसमें एक तरीके का विजडम, नॉलेज, बहुत आप बड़े डिसेंट से हो जाएंगे, बड़े आप नॉलेजेबल हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि। तो आपका जो पूरा ओवरऑल ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें आप देखेंगे कि आप में एक बड़ी
बड़े पॉजिटिव चेंज आपको फील होंगे, ये एक अच्छी चीज है। और पढ़ाई लिखाई संतान सारे क्षेत्रों से आपकी लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। आपके मेहनत पराक्रम को गुरु यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने का काम करेंगे। और आप लोगों के फादर की लाइफ में भी इस समय तो कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, आपका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगेगा, हायर स्टडीज की ओर आप जा सकते हैं क्योंकि गुरु आपके 8वें भाव के भी मालिक हैं, तो उच्च शिक्षा से भी आपको लाभ मिलेगा इस टाइम पीरियड में। पूरे 1 वर्ष का जो समय है आपको कुछ इस समय पर जर्नीज भी मिलेंगी जो कि आपके एजुकेशन से होकर के हो सकती है, या आप धार्मिक यात्राएं करें। बहुत संभावना है कि काफी सिंह राशि और लगन के लोग इस साल जो है कहीं पे जा सकते हैं। रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, वहां पे आप घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। संतान से लाभ होगा, जो लोग बहुत बड़े हो गए हैं उनके बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। और यात्राओं से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है, स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, मीडिया सेक्टर में आप हैं, जहां पर अपने आप को फ्रंट पे रख करके काम किया जाता है, उन सारे क्षेत्रों से आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ की स्थितियां गुरु लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है क्योंकि गुरु 9वें भाव के कारक भी होते हैं, 5वें भाव के भी कारक होते हैं, तो ये 5th और 9th में जो इनका कनेक्शन बन रहा है ये भी आप लोगों को बहुत लाभ देगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए। और डिटेल में आप जान और भी विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो जा करके मेरे वीडियो सेक्शन में जो इंडिविजुअल मैंने वीडियोस डाले हैं उसको आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, आपके लिए गुरु आपके 8ष्टम भाव में आ रहे हैं। 8वें भाव में गुरु का आना, ये मोक्ष त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे गुरु 4, 8, 12 को, और आपके लिए लॉर्ड है आपके 4थे भाव के और 7वें भाव के लॉर्ड होकर के आपके 8ष्टम भाव में आ रहे हैं। 12वें से दृष्टि संबंध बना रहे हैं और आपके द्वितीय भाव सेकेंड हाउस के ऊपर इनका आसपुर जा रहा है। तो ये कन्या वालों के लिए जो गुरु ग्रह होता है कोई बहुत, क्योंकि बुध का ये फ्रेंड नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है, फिर भी ये 2 केंद्र का लॉर्ड होता है, 4थे और 7वें का लॉर्ड होकर के 8ष्टम में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा समय रहेगा, चूंकि मोक्ष त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो अपने भाव से ये द्वितीय में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से जो संबंधित फाइनेंशियल गेन होता है उसको तो ये पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं देंगे। आर्थिक लाभ भी आपको दे सकते हैं क्योंकि इनका सेकेंड के ऊपर आस्पेक्ट जा रहा है। 4th हाउस से ये पंचम स्थान पे आए हैं, तो अपने भाव को लेकर के त्रिकोण को एक्टिवेट करके जो स्थितियां होती हैं वहां भी अच्छे लाभ दे सकते हैं। विदेशों से आपके संपर्क बनाएंगे और खर्चे वगैरह भी करवाएंगे। हो सकता है कि जो ये खर्चे हों आप लोगों के, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के ऊपर हो सकता है, बिजनेस के विस्तार के ऊपर हो सकता है, या ट्रेवल आप करें, फॉरेन रिलेटेड आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं आप लोगों के लिए रहेंगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, चूंकि 8वें भाव से गुरु का जो गोचर होगा वो दुनियादारी के हिसाब से कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर होता है। पूरे 1 वर्ष तक अगर आप चाहें, क्योंकि 30 अक्टूबर तक यहाँ पर राहु भी हैं, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को विदेशों से संपर्क स्थापित होंगे, और विदेशों से आपका कार्य व्यवसाय अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पर तो आपको लाभ हो जाएंगे। बाकी जो लोग इंडिया में है या यहीं पे रह करके कार्य करते हैं, तो वहां आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप अपना मन थोड़ा सा आध्यात्मिक गतिविधियों पे लगाइएगा, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, पूजा पाठ, ईश्वर आराधना, मंत्र जप, ऐसी चीजों पे अगर आप लगाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और कोई भी यहाँ पर गुरु के नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। वैसे चूंकि ये आपके 8ष्टम भाव में है, मंगल के घर में है, और मंगल की दोनों ही राशियां आपके लिए 3rd हाउस में पड़ती है और दूसरी राशि आपके 8ष्टम भाव में पड़ती है, तो जिनका राशि लॉर्ड है वो बहुत अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो गुरु को यहाँ पे जो मंगल है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक माइनस फैक्टर है। और दूसरा ये है कि 8वें भाव में आकर के गुरु आपको अचानक वाले भी इवेंट्स देंगे, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, थोड़ा बहुत उससे संबंधों का ध्यान रखिएगा, हेल्थ रिलेटेड चीजों का उस पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी मदर है उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 8ष्टम में आकर के गुरु आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सारी चीजों को ये बढ़ाएंगे। आने वाला 1 वर्ष आपको व्हीकल या हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, सुख सुविधाएं, उनको भी आपको प्राप्त हो सकती है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी अगर आप बना सकते हैं, और विशेष रूप से 30 अक्टूबर के पहले पहले अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपको सपोर्ट कर रही होगी, तो काफी अच्छा आपके लिए टाइम पीरियड रहेगा, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8ष्टम भाव में जब गुरु आते हैं तो थोड़ा सा अपना जो लोअर बॉडी पार्ट है उससे संबंधित कुछ डिजीज वगैरह दे सकते हैं, तो अगर आपको पहले से है कुछ दिक्कतें तो आप वहां थोड़ा केयरफुल होइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, और जो कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर है, औसत गोचर कहा जाएगा।
औसत गुजर आपके लिए रहेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। डरने की बात इसलिए नहीं है कि गुरु शुभ ग्रह होते हैं, और अगर ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं तो बहुत ही सौम्यता के साथ में देते हैं। ये एक अच्छी इनकी चीज होती है, क्योंकि मैलिफिक ग्रह नहीं है तो तंग भी करते हैं तो बड़े बड़े आराम आराम से तंग करते हैं कि व्यक्ति उसको सह सके, उसको अच्छे से उसको मैनेज कर सके। या इस तरीके का गुरु का स्वभाव होता है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। गुरु अच्छे शुभ ग्रह होते हैं तो इनका परेशान करने का जो तरीका होता है ना, वो भी बहुत बहुत बड़े सॉफ्टली लोगों को परेशान करते हैं, आप ऐसे समझिएगा। तो पूजा पाठ अवश्य करिएगा, और रिसर्च वगैरह से जिनका जुड़ा हुआ कार्य है, जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो लॉयर्स होते हैं, क्रिमिनल के लॉयर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे गुरु काफी अच्छे लाभ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, काफी अच्छी स्थिति है, आपके सातवें भाव में ही गुरु आ रहे हैं। देखिए, तुला वालों के लिए गुरु कोई बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, थर्ड के लॉर्ड हैं आपके, और आपके छठवें भाव के लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। इसका दो तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। विस्तार में अगर आपको देखना है तो आप जाकर के मेरे जो इंडिविजुअल वीडियो है हर एक राशि लग्न के लिए, वहां से आप अपने तुला वाले सुन लीजिएगा। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो आपके लग्न के ऊपर दृष्टि आएगी, आपके 11वें भाव पे और आपके थर्ड हाउस के ऊपर यहाँ पर गुरु दृष्टि डालेंगे, और ये आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। मतलब कि आप इच्छा पूर्ति के लिए काफी प्रयास करेंगे तो आपको प्राप्तियां भी होंगी, आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ पर गुरु काफी अच्छे से कराएंगे। स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कुछ ऑनलाइन होता है, या आप कुछ टूर ट्रेवल्स मास मीडिया ऑनलाइन सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, इंटरनेट वगैरह का यूज करके जो कार्य किया जाता है, दूर के लोगों से जो जुड़ करके कार्य किया जाता है, वहां पर गुरु आपको फाइनेंशियल गेन अवश्य कराएंगे। व्यापारिक गतिविधियां भी आपकी बढ़ सकती है, आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। चूंकि तुला वालों के भी लग्न सप्तम में राहु केतु एक्सिस बना हुआ है, तो पिछले 15 अप्रैल 2022 से आप लोग भी काफी परेशान हैं, और विशेष रूप से अपने पार्टनर को लेकर के, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ काफी आपकी दिक्कतें चल रही हैं। अब यहाँ राहु ने बैठ करके आपको काफी अच्छे से मैरिड लाइफ को भी काफी हद तक तंग किया है, परेशान किया है। अब गुरु आएंगे तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, राहत इस सेंस में मिलेगी कि चूंकि सातवें भाव के कारक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह हैं, तो विवाह की स्थितियां निर्मित कराएंगे, आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके अंदर जो एक इरिटेशन है, नेगेटिविटी है, उसको ये दूर करने का काम करेंगे। निर्णय क्षमता क्षमता को थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट देने का काम करेंगे, आर्थिक लाभ कराएंगे, सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध स्थापित कराएंगे, फाइनेंशियल वेन होंगे, ये सारी चीजें तो काफी अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ करके गुरु आपको एक दूसरे तरह से भी रिजल्ट देंगे, जो कि आपके थर्ड के लॉर्ड हैं और आपके छठवें भाव के लॉर्ड हैं और आपके सेवेंथ हाउस में आए हैं, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट को आपको नहीं बढ़ाना है, उसकी हेल्थ रिलेटेड चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि छठवें के मालिक हैं और आ रहे हैं सप्तम में, तो ये जीवन साथी को किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दे सकते हैं, या उसके साथ किसी तरह के जो कोर्ट केसेस और या डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, लीगल जो इश्यूज होते हैं, उनको भी क्रिएट करने का काम करेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि पार्टनर के साथ में अगर आपका पहले से कोई विवाद चल रहा है तो आप उसको उस वहां पर आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, उसको बिगाड़ने का काम बिल्कुल मत करिएगा, जल्दबाजी में कोई आप निर्णय भी मत लीजिएगा, और विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, जब तक वहां पर राहु है, तो बिल्कुल भी आप कोई जल्दबाजी निर्णय नहीं करिएगा, और पार्टनर के साथ में थोड़ा सा बना करके चलिएगा। जो आप स्वयं है छठे भाव की ऊर्जा को लेकर के आपके लग्न के ऊपर भी गुरु का एस्पेक्ट जाएगा, तो हो सकता है छिटपुट आपको स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत दे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो जहाँ तुला वालों के लिए जो ये प्रभाव इनका रहेगा, ये मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, इसको आप थोड़ा समझिएगा दिमाग से कि आप इसके पॉजिटिव इस गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट्स को आप कैसे लें, और इसके नेगेटिव रिजल्ट्स अपने आप को कैसे बचाएं, ये दोनों चीजें तुला राशि और लग्न वालों को समझने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर गुरु आपको दो तरह से प्रभाव दे रहे हैं, एक तो अपने कार्यकत्व के अनुसार चीजों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपको ऊर्जा शक्ति देंगे, आपके विवेक को बुद्धि को जागृत करने का कार्य करेंगे। लेकिन तीसरे और छठे के लॉर्डशिप लेकर के जब उन हाउसेस का रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यापार है, पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट कर सकते हैं, तो वहां बुद्धिमानी से, समझदारी से चीजों को संभाल लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, विवाद को बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। और अगर आप गुरु को अच्छे से यूज करेंगे तो ये आपके मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ के ये कारक होते हैं, और कारक भाव में जब कारक ग्रह आता है तो उसको वो नष्ट करने का काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, जब तक कि अंतर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपके खराब ग्रहों की ना चल रही हो, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगर
अगर अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की चल रही होगी डीबीए, तो आपका गुरु यहाँ पर आके आपकी लाइफ को बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि वो आपको सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर मैलेफिक प्लैनेट्स की होगी, जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, तब यहाँ पर गुरु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं पार्टनरशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में, इसको आप जरूर समझिएगा। फिर भी ओवरऑल आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कारक अपने घर में आया हुआ है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके छठवें भाव में गुरु आ रहे हैं, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, 2, 6, 10 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस धन के मालिक हैं और आपके पंचक के मालिक हैं, और आ रहे हैं आपके छठवें भाव में। बहुत एक्सीलेंट इनकी स्थिति कही जाएगी। देखिए, गुरु जैसा ग्रह, सौम्य ग्रह, बड़ा सा ग्रह, गुरुत्व वाला ग्रह, छठे भाव में जब आता है रोग शत्रु, ये सब काम गुरु को बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करना, कलह क्लेश, इन सबसे गुरु का कोई भी संबंध नहीं होता है। गुरु ज्ञान बुद्धि विवेक धन ये सब देने का काम करते हैं, तो गुरु को छठा भाव बिल्कुल नहीं पसंद है, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन वृश्चिक वालों के लिए, चूंकि आपके लग्न के लॉर्ड मंगल के मित्र होते हैं, और छठवें भाव में भी मंगल की ही दूसरी राशि मेष पड़ रही है, तो मित्र के घर में आने की वजह से गुरु कुछ चीजों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको फाइनेंशियल गेन ये जरूर देंगे, पूरे आने वाले 1 वर्ष में नौकरी देंगे, अच्छी अच्छी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है। बहुत से वृश्चिक वालों के इस टाइम पीरियड में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। खर्चे भी अवश्य करवाएंगे, खर्चे इसलिए करवाएंगे क्योंकि इनकी 12वें भाव पे दृष्टि जा रही है, तो ये जो जो भी आपके खर्च होंगे वो आपके एजुकेशन से लेकर के हो सकते हैं, क्योंकि पंचम के मालिक हैं, छठे में जा रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है, एजुकेशन के ऊपर खर्च हो सकता है, व्यापार बिजनेस का विस्तार करने के ऊपर हो सकता है, या किसी तरह के जो जर्नीज होती हैं वो भी आपको यहाँ पर गुरु करवा सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल आप टूर कर लें, बच्चों से रिलेटेड एजुकेशनल टूर, ये सारी स्थितियां आप लोगों के लिए गुरु निर्मित करा रहे हैं। छठे भाव से चूंकि गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए रिजल्ट ये फाइनेंशियली तो आपको अच्छा देंगे, लेकिन इसको अगर बहुत एक्सीलेंट गोचर कहा जाए तो वो नहीं है। आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करेंगे, व्यापार विस्तार कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, जो कि लाइफ की अच्छी चीजें होती हैं, महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएं होती हैं, तो इनका फायदा लीजिए। खर्चों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, और जो बच्चे समय पर पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मन लगा करके आप लोग पढ़िएगा। अगर आप पूरा पूरी एनर्जी आप पढ़ने पे डाल देते हैं, तो ये समझिए कि जितने भी वृश्चिक राशि और लग्न के बच्चे हैं, जो आने वाला 1 वर्ष है, बहुत से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को में सक्सेस पाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आपको नौकरी मिल सकती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी है, आईएफएस के जो एग्जाम्स होते हैं, पीसीएसजे है, ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके बुद्धि के मालिक है, पंचम के मालिक, और आपके नौकरी के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, या आपको दूर भी लेकर के जा सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एनएसएस वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, वहां पर गुरु आपको बहुत लाभ देंगे, बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाएगा, अच्छी स्थिति है, फायदा लीजिए। ओवरऑल वृश्चिक वालों के लिए आर्थिक लाभ हो रहा है। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए। आपके 5th हाउस में ही गुरु ट्रांजिट में आ रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट स्थिति है, क्योंकि आपके धर्म त्रिकोण एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, 1st और 4th की लॉर्डशिप लेकर के आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। 12 वर्षों के बाद ये स्थिति आपके लिए बन रही है। तो जितने भी धनु राशि और लग्न के लोग हैं, देखिए आप पूरे 1 वर्ष का जो आपका टाइम पीरियड है, आपका धन त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य के ऊपर दृष्टि डाएगी, इनकम के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर, जितने भी धनु वाले सारे साथी, सभी मुक्ति मिली है आप लोगों को 17 जनवरी 2023 को। अब जो टाइम पीरियड है पूरे 1 वर्ष का, बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन होंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, एजुकेशन, हायर स्टडीज और रिसर्च, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जो आप स्वयं हैं, आपको सोसाइटी में नेम फेम प्रसिद्धि मिलेगी, जबरदस्त पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें आप देखेंगे कि आपके एक मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज है, इसका आप लोग फायदा लीजिए। धन वालों के जो कनेक्शन है, गवर्नमेंट से बनेंगे, सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों से बनेंगे, और ये जो टाइम पीरियड है आपको जॉब नेम फेम प्रसिद्धि और कुछ गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब चीजें भी दिलवाएंगे। फाइनेंशियल आपको बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि 5th हाउस के गुरु कारक होते हैं और लग्नेश होकर के आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। बहुत से लोगों को संतान की प्राप्तियां होंगी, बहुत से लोग नए रिलेशनशिप में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी इंप्रूवमेंट होगी, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनका इसमें मन बहुत लगेगा पढ़ने का, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी प्योर हो जाएगी, ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे थे उनके लिए स्थितियां काफी सपोर्टिंग बन जाएंगी। आपके फादर की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, और विशेष रूप से ये जो पूरा 1 वर्ष का टाइम पीरियड है, हर तरह से आपके लिए सपोर्ट करेगा, आपको अच्छे से ये स्टेब्लिश करके तब जाएगा। बहुत से लोगों के संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं,
उनको ये लाभ हो जाएगा, जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चों को बच्चे हो सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। और आप लोग इस समय पर जर्नीज भी कर सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप भी आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य वगैरह में किसी भी तरह की दिक्कत रही होगी, कोई नेगेटिविटी रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम रही होगी हेल्थ रिलेटेड, या किसी भी तरह का आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, वो सब कुछ यहाँ पर गुरु दूर करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है इसका, आप लोग फायदा लीजिए, बहुत एक्सीलेंट गोचर है आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए, चौथे भाव में गुरुवार है, मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, चार आठ बार एक्टिवेट होगा, दसवें भाव के ऊपर दृष्टि जाएगी। मकर वालों के लिए गुरु कोई योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन एक शुभ ग्रह है, केंद्र स्थान में आ रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर मकर वालों के लिए गुरु दो तरीके से रिजल्ट करेंगे, एक तो अपने कारकत्वों के आधार पर और दूसरे अपने स्थान के आधार पर। कारकत्व के आधार पर जब यहाँ पर ये आएंगे तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल इन सब चीजों को देने का काम करेंगे, प्रोफेशन से संबंध बनाएंगे, विदेश से कुछ लोगों को जॉब मिलेंगी, नई नौकरी की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि करवा सकते हैं, इलेक्शन वगैरह में अगर आप कुछ खड़े हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है। ये सारी चीजें गुरु देंगे, अचानक से धन प्राप्तियां कराएंगे, जर्नीज कराएंगे, फॉरेन रिलेटेड आपकी ट्रेवल होगी, प्रोफेशन से जुड़ करके आपकी यात्राएं हो सकती हैं। पूरा जो आपका इंटरनल एटमोसफेयर है घर का, वहां पर गुरु शुभ ग्रह होने की वजह से आपको काफी रिलीफ देंगे, शांति देंगे, ये एक अच्छी चीज होगी। मतलब कि आपका जो पूरा डोमेस्टिक एरिया जो काफी टाइम से राहु की वजह से डिस्टर्ब था, वहां पर गुरु एंटर करके राहु की नेगेटिविटी को काफी हद तक कंट्रोल करेंगे, ये एक अच्छी चीज होगी। अपना शुभत्व तो वहां पर फैलाएंगे और आपको हर तरह से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, रिलीफ देंगे। हालांकि सभी के लिए शनि की थर्ड एस्पेक्ट पड़ी बराबर पूरे वर्ष तक गुरु के ऊपर रहेगी, इसके बावजूद भी जो गुरु का स्वाभाविक स्वभाव है उसकी वजह से लाभ होगा मकर वालों को। जो मन में एक चिंता थी, डर था, तनाव था, उसमें काफी हद तक ये गुरु आकर के आपको एक तरह से सपोर्ट करेंगे और बहुत आपको रिलीफ देने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ गुरु आपको दूसरे तरीके से रिजल्ट देंगे, जो कि आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, बारहवें भाव के। दोनों ही भाव जो होते हैं बहुत अच्छे भाव नहीं कहे जाते हैं, त्रि भाव में इनकी भी गिनती होगी। तो जब उन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के आएंगे तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपके खर्चे बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत मदरसे संबंधित चीजों में डिस्प्यूट देने का काम करेंगे, एक तरीके से उठा पटक का काम करेंगे, आपको अपने घर से दूर ले जाने का काम करेंगे। बहुत से लोगों का हो सकता है इस टाइम पीरियड पर ट्रांसफर हो जाए, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से कहीं आपका ट्रांसफर होकर आपको दूसरी जगह पोस्टिंग मिल जाए, मतलब कि आपके जन्म स्थान को छुड़ाने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि एक तो योग कारक ग्रह नहीं है, दूसरे आपके तीसरे और बारहवें दोनों ही जो होता है स्थान परिवर्तन के हाउसेस होते हैं, तो आपको बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज है कि आपको ट्रांसफर हो जाए आने वाले एक वर्ष में, तो अच्छी बात है। प्रोफेशन से जुड़कर के अगर ट्रांसफर आपका हो रहा है और प्रमोशन वगैरह दे करके अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसको ले लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छी चीज आप लोगों के लिए हो रही है। लेकिन खर्चों को लेकर के, खर्चे आपको गुरु यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ये खर्चे हो सकता है कि आप बिजनेस के विस्तार के ऊपर कर दें, या ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन निर्माण के ऊपर आपके खर्चे हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि आप जर्नीस के ऊपर खर्चे करें, क्योंकि इनका बारहवें भाव से कनेक्शन बन रहा है, तो 100% ये एक वर्ष आपसे कुछ ना कुछ खर्च कराएगा। तो इसके जो कारण बनेंगे, या तो जर्नीस बनेगी, या तो आपका व्यापार बिजनेस बनेगा, या तो आपका कंस्ट्रक्शन बनेगा, क्योंकि ये बैठे हुए हैं ऑलरेडी आपके चौथे भाव में। ओवरऑल ठीक कहा जाएगा, और पूरे वर्ष आप लोग ईश्वर धर्म आध्यात्म इनसे जुड़ करके भी रहिएगा, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, तो उस एनर्जीज को जरूर आप अपने लिए प्रयोग करिए। क्योंकि इस टाइप का जो ट्रांजिट में कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत कम बनता है, 12 वर्षों के बाद ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, तो जब भी मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो तो उसका फायदा जरूर लेना चाहिए। मन अपने आप ऑटोमेटिकली ईश्वर की ओर, आध्यात्म के ऊपर, मंत्र साधना तंत्र इन सब चीज के ऊपर जाने लगता है, मतलब कि भगवान से मन जुड़ने लगता है, तो ये अच्छी चीज होती है, उसका फायदा लीजिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, देखिए आपके तीसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, आपके जो राशि लॉर्ड हैं शनि, उससे तो गुरु का कोई बहुत ना तो मित्रता है ना तो शत्रुता है, और तीसरे भाव में आ रहे हैं तो ये आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे, आपके 3, 7 और 11 को एक्टिवेट कर देंगे, तीसरे भाव में बैठेंगे, धन के मालिक हैं, एकादश के मालिक हैं। अब देखिए जितने भी कुंभ वाले हैं, आप लोगों की साढ़े साती चल रही है, मध्य साढ़े साती आप लोगों की चल रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपसे आपको जर्नीज देंगे और आपको फाइनली ये फाइनेंशियल गेन भी देंगे, क्योंकि इनके दृष्टि 11वें भाव पे अपनी राशि पे जाएगी, चाहे इनकी धनुराशि है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं कुंभ वालों के लिए वो अच्छी कही जाएगी, खराब स्थिति नहीं है। तीसरे भाव से जो गुरु का गोचर होता है कोई बहुत योग कारक नहीं होता है, लेकिन इनके जो कारकत्व हैं, जो कि ये दूसरे भाव और 11वें भाव और 7वें भाव के कारक होते हैं, तो अपने कारक हाउसेस का ये रिजल्ट करेंगे, इस वजह से कुंभ वालों को यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, बड़ी शुभ स्थिति कही जाएगी, इसका आप लोग फायदा ले लीजिए।
और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोग थोड़ी सी जर्नीज भी करेंगे। वो जर्नीज आपके व्यापार बिजनेस को लेकर के हो सकती है, आपके एजुकेशन को लेकर के हो सकती है, और हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक यात्राएं करें या ऐसे ही कहीं आप घूमने जाएं। पूरा एक वर्ष आपको कुछ ना कुछ जर्नीज अवश्य देगा। ओवरऑल अच्छा गोचर है, कुछ लोगों के विवाह हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, ये एक अच्छी चीज है। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, व्यापार बिजनेस आपका विस्तार पाएगा। इसके से जो लोग टूर ट्रेवल्स आईटी सेक्टर मास मीडिया इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के आप डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा आपका काम है, कहीं पर भी आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़ करके आपका कार्य है, वहां पर गुरु आपको बहुत लाभ देंगे। आप कोई प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वहां पे भी गुरु आपको बहुत लाभ देंगे। आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से काफी अच्छे संबंध स्थापित कराएंगे। कोई भी विवाद होगा उसको ये दूर करेंगे, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है। तो जो भी पार्टनरशिप में दिक्कतें होंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रही होंगी, वो सारी चीजें आपके सॉल्व होंगी। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। कुछ लोगों को गवर्नमेंट से लाभ होगा, प्रमोशन हो सकता है, हायर अथॉरिटीज आपको काफी सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल गेन होंगे, पैसे वगैरह पहले के आपके कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे, वो सब आपको इस टाइम पीरियड पे मेच्योर होके मिल सकता है, अच्छी स्थिति कही जाएगी। आपको अपने पिता के द्वारा भी लाभ होगा, पिता की लाइफ में भी शुभता वाले इवेंट्स हो सकती है। ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट होम वालों को भी मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए। देखिए, आपके तो ये 10th के लॉर्ड है और आपके लगन के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। आपके अर्थ त्रिकोण को गुरु एक्टिवेट कर रहे हैं, 2, 6, 10 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है, कारक अपने भाव में आ रहा है। ये जो पूरा एक वर्ष है मेन वालों के लिए, देखिए आप लोगों की भी 7:30 स्टार्ट हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने चंद्रमा से देती और लगन से देती दोनों से ही गुरु आपको बहुत धनवान बनाने जा रहे हैं। 7:30 को आप भूल जाइए। ये जो पूरा एक वर्ष का टाइम पीरियड है मेन वालों के लिए, जबरदस्त आर्थिक लाभ होंगे। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बन रहा है, फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा। इस समय पर बहुत से लोगों की नई नौकरियां लगेंगी, जॉब आपको मिलेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है या आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपको जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, अचानक से धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में व्हीकल लेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे, और जितने भी आपके एनिमीज वगैरह हैं वो सभी समय पर आपके रास्ते से बिल्कुल हट जाएंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जितने भी जमीन के अंदर जो पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट होता है, मतलब कि भूमि के अंदर के जो भी कार्य होते हैं, या आप डॉक्टर्स हैं, या आप क्राइम के जो लॉयर होते हैं, या फिर जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े होते हैं, उन सभी के लिए बड़ी लाभपूर्ण स्थितियां बनेंगी। आपका प्रमोशन, नौकरी, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें आपको गुरु देने जा रहे हैं। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाले इवेंट्स होंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी सेकेंड हाउस में गुरु बैठेंगे, आपके कुटुंब भाव को एक्टिवेट कर देंगे। फैमिली के अंदर किसी फैमिली मेंबर का आना, शुभ इवेंट्स होना, कोई नए बच्चे का जन्म होना, या परिवार में कोई कोई ना कोई एक वर्ष के भीतर आपके यहाँ बड़े अच्छे से कुछ मीटिंग होगी, बड़े शुभ कार्य होंगे, ये सब चीज भी गुरु आपको देंगे। आपके लग्नेश है ना, लग्नेश होकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं, कुटुंब की वृद्धि करने जा रहे हैं, धन की वृद्धि करने जा रहे हैं। इन आने वाले एक वर्ष में आपको काफी, हो सकता है कहीं से गोल्ड मिले, या आप गोल्ड परचेज करें, क्योंकि गुरु गोल्ड के भी कारक ग्रह होते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, आप उसका फायदा लीजिए। एक ये बहुत अच्छा है, और आपको अचानक से ही फाइनेंशियल गेन भी करवाएंगे, क्योंकि जो इनकी दृष्टि है अष्टम भाव के ऊपर जा रही है, वो सडन आपको यहाँ पर ये प्राप्तियां भी करवाएंगे। और ये जो प्राप्तियां होंगी, चूंकि आपके जो दोनों धन भाव हैं, सेकेंड और आपका 11th हाउस, उसकी इनके पास सॉरी आपका जो 10th हाउस और जो लगन है, प्रोफेशन का हाउस है, और जो आपका लगन का है उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो वहां से जब अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपको व्यापार के माध्यम से, जॉब के माध्यम से अचानक से पैसे लेकर के आएगा। बहुत अच्छा ये आपके लिए टाइम पीरियड है। तो जितने भी लोग जॉब चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, आप लोगों को यहाँ पर बहुत गुरु लाभ देंगे। तरह तरह से आप लोगों को फायदा करवाएंगे गुरु यहाँ पर। बहुत ही शुभ गोचर है। तो इस तरीके से मेष से लेकर के जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, ये गुरु का जो ट्रांजिट है मेष राशि में, काफी अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहा है। और जो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं, देखिए वो मीन के लिए, धनु के लिए, तुला के लिए, और सिंह और मिथुन, इन 5 राशियों के लिए तो बहुत ही बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत एक्सीलेंट, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट यहाँ पर गुरु देंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा एवरेज सा, मध्यम मध्यम सा रिजल्ट मिलेगा, वो रहेगी राशियां मकर और वृष और कन्या। और जो बाकी बची हुई राशियां हैं, जैसे कि कुंभ है, वृश्चिक है और कर्क है, इन इन राशियों के लिए तो गुरु का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहेगा। मतलब कि आप उसको खराब नहीं कह सकते हैं, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको काफी
फाइनेंस से जुड़कर के रिजल्ट जरूर दे देंगे। ये एक अच्छी चीज बन रही है आप लोगों के लिए, इसका आप लोग फायदा लीजिए। अब आप लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं, देखिए ये गोचर गुरु का है, गुरु को ही सारे रिजल्ट्स देने हैं और मंगल की राशि में हो रहा है, तो आपको पहला काम करना है एक तो गुरु को स्ट्रांग करना है, दूसरा राशि लॉर्ड मंगल को स्ट्रांग करना है, तो उससे आपको सारे गेंस हो जाएंगे। गुरु के लिए आप अपने गुरु के मंत्रों का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, गुरुओं की सेवा करिए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, ये सब करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन ये सभी को नहीं करना है, सभी को नहीं मतलब कि जिनके लिए गुरु बहुत योग कारक ग्रह है उनको इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी है, बल्कि उनको गुरु के डोनेशन करने हैं, जैसे कि मकर वाले हैं, कन्या वाले हैं और वृषभ वाले हैं, स्पेशली जो मकर है और वृषभ, इन दोनों को गुरु के डोनेशन करने चाहिए। डोनेशन का मतलब होता है कि आप गुरु से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, जैसे चने की दाल है, पीला पीला वस्त्र है, पीले फूल है, थोड़ा बहुत गोल्ड है, पीतल है, ऐसी चीजें आप किसी को दान कर सकते हैं, मंदिर में पंडित को, पुरोहित को, किसी भी जरूरतमंद को दीजिए, किसी के बच्चे की शादी हो वहां पे आप कुछ डोनेशन कर दीजिए पैसों का, या किसी भी तरह से फाइनेंशियल आप उसको सपोर्ट करिए तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। बाकी जो मेष है और धनु है, सिंह राशि के लोग हैं, मीन के लोग हैं, आपके लिए गुरु बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो यही आपके लिए बहुत फायदा करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर गुरु को बहुत स्ट्रेंथ देंगे तो गुरु आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप उनका मंत्र जप करिए, मंत्र जप से जो ग्रह होता है बहुत प्रसन्न होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बिल्कुल सिंपल मंत्र है उसका, आप जप कर लीजिए, आपको फायदा होगा उससे। और मंगल को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मंगल को वो लोग स्ट्रॉन्ग करें जिनके लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है, जिसके लिए अकारक ग्रह है वो लोग बिल्कुल भी मंगल को नहीं स्ट्रॉन्ग करिएगा, नहीं तो मंगल की नेगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी तो बल्कि आपको फायदा के बजाय में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। मंगल के लिए मंगल के मंत्र ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः, ये सब आप जप सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं मंगल का, जो दाल होती है मसूर की, लाल कपड़ा होता है, लाल फूल होता है, तामा होता है, ये सब किसी जरूरतमंद को दीजिए, मंदिर में दान करो, उससे मंगल अच्छे होते हैं। और जिन जिन नक्षत्रों से होकर के गुरु जाएंगे इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, केतु के नक्षत्र से और शुक्र के नक्षत्र से और सूर्य के नक्षत्र से, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल लास्ट में जब गुरु सूर्य के नक्षत्र कृतिका से जाएंगे, तब वहां पर गुरु स्वयं भी अच्छी स्थिति में होंगे, राशि लॉर्ड मंगल का सपोर्ट मिलेगा और नक्षत्र लॉर्ड सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। वो जो लास्ट का टाइम पीरियड होगा जब गुरु मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे, तो आखिरी आखिरी का जो टाइम पीरियड होगा वहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुरु जाते जाते बहुत से लोगों को बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे करके जाएंगे, ये एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है, उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। और आप सभी लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत शुभ हो, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आए, ये मैं आप लोगों के लिए शुभकामना देती हूँ। और सभी के लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियोस डाले हैं, अगर आप बहुत डिटेल में चीजों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने वीडियो को थोड़ा सा विस्तार में सुन लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से मैं एक बार धन्यवाद बोलती हूँ, और हमेशा ईश्वर से कामना करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो भी लोग जुड़ रहे हैं चैनल से जुड़ करके, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी को समझने में हेल्प मिले, चीजों को आप सही तरीके से एनालाइज कर पाए, और प्लैनेट से आप डरे नहीं, ट्रांजिट से भी आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उसको आप साइंटिफिकली समझ करके उसका अपने पक्ष में फायदा लेने का काम करें, क्योंकि ग्रह जो होती है वो एक एनर्जी होती है, उसको आप कैसे यूज करते हैं ये आपके समझ के ऊपर निर्भर करता है। और आप अपने नेटल चार्ट को कभी भी मत भूला करिए, आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं वो आपके नेटल चार्ट से जुड़ कर ही होती हैं, और आपकी जो महादशा अंतर्गत दशा होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है व्यक्ति की लाइफ में, ट्रांजिट सिर्फ उसको सपोर्ट करता है और एक्टिवेट करता है, ये चीज आप कभी नहीं भूलिएगा, उसी के आधार पर रिजल्ट निकल करके आते हैं। और ये जो पूरा गोचर रहेगा 1 वर्ष तक, यहाँ पर शनि की बराबर दृष्टि रहेगी गुरु के ऊपर, तो गुरु कहीं ना कहीं शनि से भी दृष्ट रहेंगे, हालांकि गुरु अपने आप में एक बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और शनि जो है कर्म के कारक ग्रह है, न्याय के कारक ग्रह है, तो जितने भी लोग अच्छे से काम करेंगे पूरे वर्ष, ईमानदारी से रहेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, किसी का हित नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थितियां भी उनके लिए बनेंगी, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही अच्छे ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह हैं, दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को ये लेकर के आते हैं आपके लाइफ में,
तो आप लोग अच्छे काम करिएगा और अच्छे रिजल्ट दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।